नगर परिषद हमीरपुर के लिए चुनावों के बारे निकाला गया ड्रॉ जिलाधीश द्वारा हमीरपुर निरस्त कर दिया गया था और 31 अगस्त को अपनी देखरेख में पुण्य ड्रॉ निकाला जाएगा। इस बारे नगर परिषद हमीरपुर वासियों का एक प्रतिनिधि मंडल अजय शर्मा पूर्व पार्षद के नेतृत्व में जिलाधीश से मिला था और पुण्य ड्रॉ निकालने की अपील की थी। जिलाधीश द्वारा लिए गए निर्णय के लिए धन्यवाद हेतु एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व पार्षद अजय शर्मा के नेतृत्व में जिलाधीश से मिला। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व पार्षद मनोज शर्मा, शशि शर्मा, पूर्व सचिव जिला कांग्रेस अनमोल कुमार, रजनीश गांधी और रमेश लॉर्ड शामिल हुए। जिलाधीश का आभार प्रकट किया और कहा कि आपने पिछले ड्रॉ को निरस्त कर नगर परिषद हमीरपुर की जनता को न्याय दिया है और 31 तारीख को निकलने वाले ड्रॉ में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। अजय शर्मा ने कहा कि जो उपायुक्त द्वारा ड्रॉ को दोबारा से निकालने का फैसला लिया गया है वे स्वागत योग्य है। इसके लिए वार्ड नंबर 7, 8 और 10 के लोगों ने उपायुक्त का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 31 अगस्त को जो ड्रॉ निकाला जाएगा वह भी निष्पक्ष रूप से निकाला जाएगा। इसी संदर्भ में जब रोस्टर हमारा नगर परिषद हमीरपुर का जारी हुआ था तो उसमें हमें लगा था कि वार्ड नंबर 7, 8 और कुछ वार्ड जो 15-20 साल से रिजर्व हो रहे थे उसको लेकर हमने एक ज्ञापन जिस दिन ये ड्रॉ हुआ था उसी दिन हमने जिलाधीश महोदय को दिया था और हमने उनसे गुजारिश की थी कि पुनः इसको जो ड्रॉ है इसको निकाला जाए क्योंकि हमारे कई वार्ड जो है वो उनके साथ अन्याय हुआ है। और उसी के अनुरूप जो है जिलाधीश महोदय ने पिछले काल ही सारी प्रक्रिया को निरस्त करते हुए उन्होंने खुद अपनी देख रेख में जो नया ड्रॉ निकालने का फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। हमीरपुर की जनता के साथ एक बहुत बड़ा उन्होंने न्याय किया है और उसी के संदर्भ में आज हम जिलाधीश महोदय का हमीरपुर के वार्ड नंबर 7, 8 या हमीरपुर के जो लोग हैं हमारे 10 नंबर वार्ड के सब लोग इकट्ठे होकर जो है उनका धन्यवाद करना जा रहे हैं और हम उनसे आशा रखेंगे जो 31 तारीख को जो ड्रॉ होगा वो भी निष्पक्ष तरीके से निकले और हमीरपुर की जनता को हमीरपुर के नगर परिषद के सभी लोगों ने देखी थी। इसी वजह से हमने जो है डी साहब को एक डिटेल में जो हमारा पत्र था वो दिया था जो हमारी सेक्शन 10 रूल सब रूल 8 था उसमें ड्रम ऑफ बीट्स एक मैंडेटरी था वो नहीं हुआ था, एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई थी और कहीं ना कहीं हमीरपुर नगर परिषद का जो ड्रा निकला वो बंद कमरे में निकल गया था और लोगों को पता नहीं था कि आज ड्रॉ निकल रहा है तो वो एक बहुत बड़ी कमी थी और जिसको लेते मुझे लगता है कि जी साहब ने उस सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारा स्टडी करने के बाद ही इतना बड़ा फैसला लिया और ये फैसला लेने बहुत ही स्वागत योग्य है। जिलाधीश महोदय इसके लिए हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लेकर जो है हमीरपुर के नगर परिषद के बाशिंदों का और उनका विश्वास जीता है और आगे भी हम उम्मीद रखेंगे कि वो इसी विश्वास को जगाते हुए 31 तारीख को भी एक अच्छा रोटेशन होगी और जिसमें सब लोगों को न्याय मिले। क्या लगता है जिलाधीश महोदय बचत भवन में इस तरह का ड्रॉ निकालने जा रहे हैं उसमें हम भी शायद गवाह बने अगर हमें अलाउ होता है तो मुझे लगता है कि जब उसमें हो उसके बाद कुछ भी हो अब जो भी रूल के तहत काम हो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन मतलब सार्वजनिक हो सबके सामने हो एक बच्चा ड्रॉ निकाले कोई आके तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो वहाँ फिर कोई शंका नहीं रह जाएगी और पूरे फॉर्मेलिटी के साथ वो काम हो रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने चुनाव लड़ना है और शहर की सेवा करनी है वो आगे आए और शहर की सेवा के लिए जो है वो अपना अपना चुनाव लड़े और लड़कर जो है वो नगर परिषद में जाए और लोगों की सेवा करें।